हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस गुरुजी पे। मैं प्रवीण धायल एक बार फिर से हमारे सभी एनडीए एयरफोर्स नेवी एस्पायरेंट का वेलकम करता हूं एक और नई क्लास में। ये आपकी क्लास होगी प्रोनाउन का सेकंड पार्ट हम करेंगे। ग्रामर की आपकी 13 क्लास हो चुकी है, हालांकि कल हमने जो मैराथन क्लास ली थी क्वेश्चन टैग की वो आपकी 13th क्लास थी। ठीक है, अगर उसको भी काउंट करेंगे तो आज ये 14th क्लास है वैसे तो। ठीक है, तो कल भी आपने एंजॉय किया होगा क्लास को। मैराथन क्लास हमने ली थी क्वेश्चन टैग के लिए और प्रोनाउन का सेकंड पार्ट। प्रोनाउन का सेकंड पार्ट है, एक बार क्लास को शेयर करो सभी बच्चे, एक बार क्लास को शेयर करो। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। ठीक है, जय हिंद माँ का लाडला, जय हिंद। आदर्श कुमार गुड मॉर्निंग, सौरव सिंह गुड मॉर्निंग, अजीत सिंधे जय हिंद, इंग्लिश जी माँ का लाडला इंग्लिश जी बहुत बढ़िया, आदित्य त्रिपाठी जय माता दी सर, जय माता दी आदित्य। कुमार संतोष गुड मॉर्निंग, वीके गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमित, विवेक गुड मॉर्निंग, आदर्श कुमार गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार क्लास को शेयर कर दो, कल का आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। और जिन बच्चों ने कल क्लास मिस कर दी वो रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे। क्वेश्चन टैग हम खत्म कर चुके हैं कल की क्लास में। कल लगभग हमने एक सवा घंटे के आसपास क्लास ली होगी। ठीक है, सवा या डेढ़ घंटे के आसपास उसमें हमने क्वेश्चन टैग खत्म कर दिया, जो आपके एयरफोर्स नेवी या एनडीए में भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से। तो उस क्लास को भी देख लेना, उस क्लास को भी देख लेना। सभी क्लासेज हो जाएंगी। प्रेम तिवारी मैथी क्लास होगी, मैथी क्लास 8:30 बजे आपकी होगी, 8:30 बजे आपकी मैथी क्लास होगी। बाकी क्लास भी जल्दी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, बाकी क्लास भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलो एग्जाम में आदित्य त्रिपाठी जो क्वेश्चन करा रहे हैं वही एग्जाम में आएंगे, वही कंसेप्ट रहेंगे, बस थोड़ा स्टेटमेंट चेंज होती है। जहां पे मैं राम लिख रहा हूँ वहां पे वो श्याम लिख देगा, कहीं पे मोहन लिख देगा, यही चेंज होता है, बस सी का सी बना देगा, ऐसे ही चेंज होते हैं। कंसेप्ट वही रहते हैं, कंसेप्ट आपको सारे करवाए जाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको करवाया जाएगा। एग्जाम में आप 100% क्वेश्चन करके आओगे, वो कैब हो चाहे ग्रामर हो। ठीक है, तो आज 12:30 बजे आपकी वो कैबी क्लास भी है 12:30 पे, उसमें भी सभी को आना है। और अभी आपकी प्रोनाउन का सेकंड पार्ट है। प्रोनाउन का एक पार्ट हम कर चुके, एक पार्ट में प्रोनाउन का हमने बेसिक देखा, एक टेबल हमने पढ़ी, उसमें हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ा, पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव पढ़ा, पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा। फिर हमने पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हमने सीखे पहली क्लास में। तो जिन लोगों ने पहली क्लास मिस कर दी प्रोनाउन की वो पहली क्लास भी देख लेंगे, और कल संडे को जो मैराथन क्लास हुई थी क्वेश्चन टैग की वो भी देख लेंगे। और जो बच्चे अभी जुड़े हैं 2 दिन से, 5 दिन से, 1 हफ्ते से, 10 दिन से, वो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट आप देखोगे, मिशन यूनिफॉर्म वाला बैच था उसकी प्लेलिस्ट भी चेक करो, उसमें वोकैब की वीडियोज हैं, उसमें ग्रामर की वीडियोज हैं, वो भी सारी देखो, वो आपके लिए हेल्पफुल है बहुत ज्यादा। ठीक है, 34 क्लासेज आपकी वोकैबुलरी की है, 33 क्लासेज आपकी ग्रामर की हैं, वो भी देख रही है। ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मनीष कुमार, मनीष कुमार को हैप्पी बर्थडे। चलो बहुत बढ़िया, आपका बर्थडे है, क्लास के ऊपर फोकस करो अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शशांक राज हमारे भरोसे हो तो आपको निराशा नहीं मिलेगी, आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, आपको सिलेक्शन मिलेगा, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सब्जेक्ट की क्लास आपकी जो 1-2 दिन से इंटरप्ट हो रखी है वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सिलेबस आपका कंप्लीटली हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, चलो इंग्लिश को मजबूत बनाया है माँ कलर लेने, चलो बहुत बढ़िया, आपकी इंग्लिश मजबूत होगी, यही हमारा टारगेट है, यही हमारा टारगेट है कि आपका जो भी सब्जेक्ट डिफेंस ग्रुप जो पढ़ाया जाए वो आपका मजबूत हो जाए, और उसके उसके थ्रू आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ, बाकी स्टूडेंट से आगे निकल पाओ, उनसे लीड ले पाओ। ठीक है, चलो आज हम पहले पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? बिहार से प्रणाम, चंद्र कुमार ने बताया बिहार से प्रणाम। चलो प्रणाम चंद्र कुमार, क्लास के ऊपर फोकस करो अभी। पुणे से देख रहे हैं ओम कुमार जाधव, बहुत बढ़िया, आपका वेलकम है ओम कुमार, ओमकार। चलो ठीक है, नमस्ते गुड मॉर्निंग, आप बहुत हो गया। ठीक है, अब क्लास के ऊपर ध्यान दो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? आपने ये वर्ड सुने होंगे ईच अदर सुना आपने, वन अनदर सुना आपने, दो चीज सुनी होंगी, ईच अदर और वन अनदर, इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पारस्परिक संबंध दिखाएंगे, आपस में संबंध दिखाएंगे, पारस्परिक संबंध दिखाएंगे, क्या कहलाएंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सारी क्लास हो जाएंगी, मैथी क्लास भी हो जाएगी, सारी क्लास हो जाएगी। अंकित यादव हरियाणा से राम राम, राम राम अंकित यादव। ठीक है, सारी क्लास आपकी हो जाएंगे, डोंट वरी। ईच अदर और वन अनदर की यहाँ पे बात चल रही है, ईच अदर वन अनदर की यहाँ पे बात चल रही है। तो देखो ईच अदर कब आएगा? जब बात होगी
टू पर्सन की बात होगी, किसकी बात होगी, टू पर्सन की, दो लोगों की बात होगी, ठीक है, टू पर्सन या टू थिंग्स की बात होगी, वहां पे यूज क्या होगा, ईच अदर, और वन अनदर कब आएगा, टू प्लस, मोर देन टू, टू प्लस का मतलब क्या है, मोर देन टू, मोर देन टू पर्सन की बात वहां पे होगी, तो वहां पे हम यूज क्या करेंगे, वन अनदर, क्या यूज करेंगे, वन अनदर, सिंपल सी दो बात ध्यान रखना, ईच अदर आएगा जब दो की बात होगी, टू की बात होगी तो ईच अदर, और मोर देन टू होगा तो क्या जाएगा, वन अनदर, इस बात को ध्यान रखना, आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा पीडीएफ, पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी, नाम का पीडीएफ मिल जाएगा, वो क्या भी मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ऊपर लिंक जो दिख रहा है, तो थोड़ी ही उसमें पीडीएफ में दिक्कत चल रही थी, उसको ठीक किया गया है, पीडीएफ में थोड़ी प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया गया, उसमें कुछ करेक्शन की गई थी, ठीक है, थोड़ा उसको मॉडिफाई किया गया, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, चलो देखो ईच अदर एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, ईच अदर के लिए एग्जाम्पल क्या लेंगे, देख लो ईच अदर के लिए एग्जाम्पल देख लो, मैंने बोल दिया, मैंने क्या बोल दिया आपके लिए, द टू गर्ल्स, द टू गर्ल्स आर, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके लिए, द टू गर्ल्स, इसको एक बार मैं इरेज कर रहा हूं यहां से, ठीक है, ये मैंने बता दिया, मोर देन टू के लिए क्या आएगा आपका, इज वन अनदर, द टू गर्ल्स आर फाइटिंग, द टू गर्ल्स आर फाइटिंग, फिलिंग द ब्लैंक, द टू गर्ल्स आर फाइटिंग, एग्जाम में कैसे आएगा वो देख लो, मैं ये बता रहा हूं, द टू गर्ल्स आर फाइटिंग, फिलिंग द ब्लैंक, ठीक है, मान लो ऐसे ही आ गया, इतना ही आ गया, मान लो सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया हमने, तो बताओ क्या आएगा इसमें, बताओ क्या आएगा, मेरी तबीयत बढ़िया है, डोंट वरी, मेरी तबीयत तो अच्छी है, कुछ नहीं हो रखा तबीयत को, ठीक है, तो बताओ द टू गर्ल्स आर फाइटिंग फिलिंग द ब्लैंक, इसमें क्या आएगा, ईच अदर यूज करेंगे या वन अनदर यूज करेंगे, बताओ क्या होगा इसमें, तो देखो टू गर्ल्स की बात हो रही है, टू गर्ल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर बात किसी, दो लोगों की बात हो रही है, तो क्या जाएगा, ईच अदर आ जाएगा, एग्जामिनर क्या करेगा, या तो स्पॉटिंग द एरर में क्या करेगा, यहाँ पे वन अनदर लिख देगा, वन अनदर, जानबूझ के एरर हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, या फिलिंग द ब्लैंक में देगा, तो ईच अदर और वन अनदर दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आंसर क्या होगा, ईच अदर, आंसर क्या होगा यहाँ पे, ईच अदर, ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ईच अदर की बात हो जाएगी, ठीक है, चलो सिंपल सा ऐसे आता है एग्जाम में, ध्यान रखना, दो की बात होगी तो ईच अदर, मोर देन टू है तो क्या होगा, वन अनदर, मैंने बोल दिया इंडियंस, मैंने क्या बोल दिया, इंडियंस शुड नेवर फाइट फिलिंग द ब्लैंक, इंडियंस शुड नेवर फाइट फिलिंग द ब्लैंक, बताओ क्या होगा इसमें, हाँ वी आर मेड फॉर ईच अदर, ठीक है, गुड मॉर्निंग अंकुश कुमार, आपका वेलकम है, हाँ अवर नेबर्स आर, हाँ ठीक है, नेबर्स की बात हो रही, मोर देन टू आ जाएगा इसमें, ठीक है, अंतु दास थैंक यू, हीरो हैं, चलो हीरो तो कुछ नहीं है, बस हम आपको गाइड कर रहे हैं, हम बस आपको गाइड कर रहे हैं, हीरो वगैरह कुछ नहीं है, चलो इंडियंस शुड नेवर फाइट फिलिंग द ब्लैंक, हीरो तो आपको बनना है आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाके, आपको हीरो बनना है, एनडी नेवी एयरफोर्स आर्मी में जाके आप लोगों को देश का हीरो बनना है, ठीक है, हम तो बस आपको रास्ता दिखा रहे हैं वहां तक पहुंचने का, चलो तो इंडियंस शुड नेवर फाइट क्या आएगा इसमें, देखो यहाँ पे की बात किसकी हो रही है, इंडियंस की बात हो रही है, इंडियंस तो करोड़ों में है, तो क्या हो गया मोर देन टू, यहाँ पे देखो लिखा ना भी मिले, अगर ना भी लिखा मिले तो सेंस मिल जाएगा आपको, ये नहीं कि वहां पे लिखा मिलेगा, थ्री की बात होगी तो आप समझ जाओगे कि बात कितनी है मोर देन टू की, दो से ज्यादा की बात हो रही है तो क्या जाएगा उसमें, वन अनदर, क्या जाएगा वहां पे, वन अनदर आ जाएगा उसमें, सिंपल सा, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, वन अनदर, एग्जामिनर अगर एरर में देगा तो क्या कर देगा, ईच अदर लिख देगा यहाँ पे, तो एरर हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा, इंडियंस तो क्या है मोर देन टू, करोड़ों में हो तो, ठीक है, अरबों में हो गए अब तो, ठीक है, चलो आगे देखो, आगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, पहले हेडिंग क्या डालोगे, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर्स ऑफ प्रोनाउन लगा लो, ऑर्डर्स ऑफ प्रोनाउन्स, प्रोनाउन का ऑर्डर हम पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोनाउन का ऑर्डर हम पढ़ेंगे, ध्यान दो अभी, पी आर ओ एन ओ यू एन, ऑर्डर्स ऑफ प्रोनाउन्स, देखो भाई यहां पे एक बार इसको नोट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां पे देखो, कोई बात नहीं, तीन दिन बाद आए हो, पिछली क्लास आप देख लेना, देखो भाई ये क्या आपका, मैंने लिख दिया यहां पे ऑर्डर, यहां पे लिख दिया मैंने टाइप ऑफ सेंटेंस, और यहां पे लिख दिया मैंने
नंबर नंबर ऑफ प्रोनाउन। देखो भाई इस टेबल को समझो, टेबल मैं आपके लिए बना रहा हूं, इसका यूज करेंगे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में। ऑर्डर क्या होगा आपका, ऑर्डर क्या होगा 3-2-1, ऑर्डर क्या रहेगा आपका 2-3-1 रहेगा, सॉरी क्या ऑर्डर रहेगा आपका 2-3-1, क्या ऑर्डर रहेगा 2-3-1। अब ये 2 क्या है, 3 क्या है, 1 क्या है बताएंगे। 2 क्या होता है आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। जैसे जब हमने प्रोनाउन स्टार्ट किया पहली क्लास में आपने देखा यू क्या होता है सेकंड पर्सन, यू क्या होता है सेकंड पर्सन, ठीक है। और आई और वी क्या होता है फर्स्ट पर्सन, ही सी इट और दे क्या होता है थर्ड पर्सन। तो टू का मतलब है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यू की बात होगी। थ्री का मतलब है ही सी इट या दे की बात होगी। वन का मतलब आई और वी की बात होगी। तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या होगा 2-3-1। टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होगा आपका, देखो टाइप ऑफ सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ सेंटेंस क्या रहेगा वो भी आपको देखना पड़ेगा, टाइप ऑफ सेंटेंस क्या रहेगा, ठीक है। टाइप ऑफ सेंटेंस आपका अच्छा बेटा नंबर 200, अच्छा ठीक है। टाइप ऑफ सेंटेंस क्या रहेगा आपका पॉजिटिव, सेंटेंस का टाइप क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोनाउन का मतलब क्या है, प्रोनाउन क्या होंगे आपके सिंगुलर, प्रोनाउन क्या होंगे आपके सिंगुलर प्रोनाउन होंगे। दूसरी बात क्या है वो देख लो, दूसरी बात क्या है आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1-2-3, अगर सेंटेंस क्या होगा नेगेटिव और प्रोनाउन क्या रहेंगे सिंगुलर, प्रोनाउन क्या रहेंगे आपके सिंगुलर। थर्ड क्या होगा आपका, थर्ड देखो ध्यान दो एक बार, थर्ड क्या होगा आपका वही रहेगा ऑर्डर 1-2-3, सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो और प्रोनाउन क्या होंगे प्लूरल। इस बात को समझेंगे, एक बार इस टेबल को नोट कर लो फिर इस बात को मैं समझाता हूं, ठीक है। देखो भाई ऑर्डर क्या रहेगा 2-3-1, कब, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो और प्रोनाउन क्या हो वहां पे सिंगुलर। सिंगुलर प्रोनाउन का मतलब क्या है, प्रोनाउन सिंगुलर का मतलब क्या है, वहां पे आपको आई मिलेगा, ही मिलेगा, सी मिलेगा, ठीक है। तो इट मिल जाएगा, ये क्या होते हैं सिंगुलर प्रोनाउन। यू भी अगर साथ में है तो साथ में क्या मानेंगे उसको सिंगुलर प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन का मतलब क्या है, अगर सेंटेंस में मिल जाए वी, वी मिल जाए, फर्स्ट पर्सन की बात करें तो वी मिल जाएगा, दे मिल जाएगा थर्ड पर्सन में, दे भी क्या होता है प्लूरल। तो प्रोनाउन अगर प्लूरल हो, सेंटेंस फिर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ऑर्डर क्या रहेगा 1-2-3। सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, प्रोनाउन सिंगुलर हो तो ऑर्डर क्या होगा 231, 2-3-1, ठीक है। और मैंने बताई दिया, ये बताई दिया कि वन का मतलब क्या है, या वन का मतलब क्या है आई और वी फर्स्ट पर्सन, टू का मतलब क्या है यू, और थ्री का मतलब क्या है ही सी इट, थ्री का मतलब क्या है ही सी इट और दे, ही सी इट और दे क्या है थ्री का मतलब है, ठीक है। समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, एग्जाम्पल अभी दूंगा तब समझ में आ जाएगा आपको, एग्जाम्पल दिया जाएगा तो समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। वन का मतलब था आई और वी, वन का मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी, सेकंड पर्सन क्या है यू, थर्ड पर्सन क्या है ही सी इट और दे, ये क्या थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो जब अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो, सेंटेंस में देखो, सेंटेंस में आपके ले रहा हूं उसमें आप देख लेना कैसे आता है आपका। जैसे देखो मैंने बोल दिया यू, मैंने क्या बोल दिया सेंटेंस लिख लो यू ही, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, आर गोइंग टू मार्केट, ये सिंपल सेंटेंस मैंने ले लिया, ये सिंपल सेंटेंस मैंने ले लिया। देखो यू क्या है यहां पे सेकंड पर्सन, ही क्या है थर्ड पर्सन, आई क्या है फर्स्ट पर्सन। अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो ऑर्डर क्या रहेगा 2-3-1, ऑर्डर क्या होगा 2-3-1, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद करना पड़ेगा कि हम सब मिलके कहां पे गए 231 नंबर दुकान पे गए, मार्केट में गए हम, याद करने के लिए देख लो हम मार्केट में गए 231 नंबर शॉप के ऊपर, 231 नंबर शॉप थी वहां पे गए कौन कौन, यू सबसे पहले क्या आएगा यू, फिर कॉमा ही एंड आई, तो क्या हो गया यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा 2-3-1, यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा, सेंटेंस पॉजिटिव है। सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा, देखो सेंटेंस अगर नेगेटिव होता, सेंटेंस अगर नेगेटिव होता तो देखो सेकंड सेंटेंस देख लो, सेकंड एग्जांपल देखो सेंटेंस, और देखो प्रोनाउन क्या आपके सिंगुलर, प्रोनाउन क्या है सिंगुलर, ही भी सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर है, और यू इनके साथ है तो इसको भी क्या मानेंगे सिंगुलर। प्रोनाउन सिंगुलर हो, सेंटेंस पॉजिटिव हो तो ऑर्डर क्या रखना है प्रोनाउन का, पहले टू नंबर, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये ऑर्डर रखना है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव हो जाए वो देख लो, सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा ऑर्डर बदल जाएगा आपका। जैसे मैंने बोल दिया
मैंने बोल दिया आई आई यू एंड सी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है ब्लंडर ठीक है। मैथ क्लास भी हो जाएगी पप्पू कुमार, मैथ क्लास, रीजनिंग क्लास, सारी क्लास प्रॉपर हो जाएंगी। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो जल्दी ही एक दो दिन में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सारी क्लास आपकी चल पड़ेगी, मैथ की क्लास भी, रीजनिंग क्लास भी, सब क्लास आपकी चलेंगी प्रॉपर, ठीक है। तो देखो ब्लंडर वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लंडर वर्ड क्या होता है आपका, ब्लंडर वर्ड। अब ये बताओ क्या ऑर्डर सही है, अब बताओ ये मैं ले रहा हूं यहां पे आपके लिए, ये मान लो ए पार्ट है, एग्जाम में देख लो कैसे आता है, ये बी पार्ट है, ब्लंडर तक सी पार्ट है, और डी पार्ट क्या है, नो एरर। डी पार्ट क्या आपका, नो एरर, ये आपका डी पार्ट हो गया। तो बताओ क्या होगा, अगर सेकंड क्वेश्चन बताओ कहीं पे एरर तो बताओ, ये ए पार्ट है यहां तक, फिर बी पार्ट रिस्पॉन्सिबल तक है, यहां तक सी पार्ट है, और डी क्या है, नो एरर। बताओ क्या होगा, किसमें एरर होगा, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा इसमें। बी पार्ट में लग रहा है, बी में क्या एरर लग रहा है आपको, आशुतोष ने बता दिया बी में एरर लग रहा है, बी में कोई एरर नहीं है, नो एरर, यहां पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। आई यू एंड सी तीन लोग हैं तो क्या बन गए, सब्जेक्ट क्या है, ये पूरा ही सब्जेक्ट है, प्लूरल बन गया, तो आ तो आएगा, कोई एरर नहीं है। देखो भाई ब्लंडर का मतलब क्या होता है, बिग मिस्टेक, कोई बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर का मतलब क्या होगा, बिग मिस्टेक, बड़ी गलती, ठीक है। तो ये नेगेटिव वर्ड है, ये क्या आपका नेगेटिव वर्ड, ब्लंडर क्या होता है आपका, मतलब क्या, बिग मिस्टेक नेगेटिव वर्ड है, तो सेंटेंस क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव है, ध्यान दो, सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, प्रोनाउन क्या थे, सिंगुलर, तो ऑर्डर क्या होगा, वन टू थ्री, ठीक है। थोड़ा हाँ एक दो बार एग्जांपल देखोगे तो समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। सेंटेंस आपका पॉजिटिव होना चाहिए तो, और सिंगुलर प्रोनाउन होंगे तो ऑर्डर टू थ्री वन होगा, वही सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, प्रोनाउन सिंगुलर रहेंगे तो ऑर्डर क्या रहेगा, वन टू थ्री। अब अगर प्रोनाउन प्लूरल ले लिया हमने, प्रोनाउन क्या ले लिए, प्लूरल, थर्ड सेंटेंस में लूंगा अभी मैं, फिर सेंटेंस कैसा भी हो ऑर्डर क्या रहना है, वन टू थ्री रहना है ऑर्डर, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल और देख लो, मैंने बोल दिया, मैंने एक बात बोल दी आपको वी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है ये वी यू एंड दे, देखो अब की बार क्या हुआ, प्रोनाउन हमने प्लूरल ले लिए, प्रोनाउन क्या ले लिए, बहुवचन, वी क्या होता है आपका प्लूरल, और दे भी क्या है प्लूरल। अगर वी और दे के साथ यू आया है तो यू भी क्या मानेंगे, यू को भी मानेंगे प्लूरल, यू को भी क्या मानेंगे हम लोग, प्लूरल। तो ये क्या बन गया आपका, देखोगे आप यहां पे, वन टू थ्री, ये क्या है फर्स्ट पर्सन, ये क्या है सेकंड पर्सन, और ये क्या आपका थर्ड पर्सन, ये क्या है, वन टू थ्री ऑर्डर बन गया, वन टू थ्री, वी यू एंड दे, ठीक है, हैव डन इट, ठीक है, हैव डन इट। ब्लंडर का मतलब क्या होता है, मिस्टेक, ये सिनोनिम है इसका, बिग मिस्टेक, इसका सिनोनिम लगा लो, एक बड़ी गलती, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो आपने क्या देखा, प्रोनाउन आपके बार क्या थे, प्लूरल थे, तो ऑर्डर क्या रहेगा, वन टू थ्री, फिर सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तीन चीज ध्यान रखना बस। अगर प्रोनाउन सिंगुलर है, एक बार फिर देख लो, अगर प्रोनाउन सिंगुलर है, सेंटेंस पॉजिटिव हो तो ऑर्डर रखना टू थ्री वन, प्रोनाउन और वही सिंगुलर है, सेंटेंस नेगेटिव हो तो ऑर्डर क्या जाएगा, वन टू थ्री, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड और फिर थर्ड। और अगर प्रोनाउन प्लूरल हो जाए, जैसे थर्ड सेंटेंस में वी था, दे आ गया, यू आ गया, क्या बन गई प्लूरल, तो ऑर्डर क्या रहेगा फिर, वन टू थ्री, ऑर्डर रहेगा सेम, बस पहले पहले में ऑर्डर चेंज होगा जब टाइप क्या होगी सेंटेंस की पॉजिटिव, ठीक है, फिर क्या होगा टू थ्री वन, ये ध्यान रखना बस, सिंपल सा है, सिंपल सा हो जाएगा, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग सत्यम, गुड मॉर्निंग। अभी आगे देखो, नेक्स्ट देखो एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बताना, इट इज फिलिंग द ब्लैंक, हु टू, यहां फिलिंग द ब्लैंक है, फिर ठीक है, ये सेंटेंस आपके लिए है, ये सेंटेंस है आपके लिए, ठीक है।
ये सेंटेंस आपके लिए यहाँ पे, ये जो पहला फिलिंग द ब्लैंक है इसके लिए ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूं, ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो यहां पे ऑप्शन लिख देता हूं, पहला है आपके लिए आई और इज, बी ऑप्शन है मी और एम, सी ऑप्शन है ही और आर, डी ऑप्शन है आपके पास दे और आर। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा इसमें, जल्दी से बता दो। एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, प्रोनाउन का थर्ड पार्ट नहीं मिल रहा, मिल जाएगा, डाल देंगे, ढूंढ देंगे उसको, डाल देंगे, ठीक है। प्रोनाउन का थर्ड पार्ट भी डाल देंगे, किंग सिंह डाल देंगे उसको। प्लेलिस्ट में नहीं होगा, वैसे आपको यूट्यूब पे वीडियो चेक करोगे वैसे तो प्रोनाउन का थर्ड पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में नहीं मिला होगा, हो सकता है प्लेलिस्ट में ना मिला हो, लेकिन वैसे अगर वीडियो चेक कर लोगे डिफेंस गुरुजी पे सारी, तो आपको प्रोनाउन का थर्ड पार्ट भी मिल जाएगा। तो बताओ क्या होगा इसमें, क्या आएगा इसमें, ऑप्शन बताने हैं आपको, ऑप्शन तो देखो पहले, ऑप्शन देखो पहले फिर आंसर करना, ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको फिर आपको आंसर करना है, ए आएगा या बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। अजय तोमर ने आई एम बता दिया, नदीम हुसैन ने ए बता दिया, चलो देखते हैं जल्दी से बताओ क्या होगा। इंपॉर्टेंट है टाइप है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नया कंसेप्ट है, यहां पे एग्जाम में आता है बार बार, ठीक है। ब्रजेश कुमार ने बताया है डी, योगेश कुमार ने बी बताया है, यशवंत ने डी बताया है, अमित ने डी बताया है, शिवम चौबे ने ए बताया, अवनीश राज ने ए बताया है। चलो देख लो, अभी अभी देख लो क्या आंसर होगा इसका, क्या रिंकू यादव ने डी बताया है, देख लो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा डी, क्या आंसर होगा इसका डी आंसर होगा, आंसर क्या होगा इसका डी, इट इज दे, ठीक है, इट इज दे हु आर, इट इज दे हु आर रिस्पॉन्सिबल, सॉरी इट इज दे हु आर टू ब्लेम फॉर दिस, या इट इज दे हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डी कैसे आ गया, डी कैसे आ गया वो देख लो, डी कैसे आ गया वो देख लो। अभी एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक बात ध्यान रखना, एक नई चीज आप मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको इट इज मिल जाए, इसको नोट कर लेना आप लोग, इट मिल जाए, इट इज मिल जाए या इट वॉज मिल जाए, क्या मिलेगा आपको, या तो इट इज लिखा मिलेगा या इट वॉज लिखा मिलेगा, उसके बाद आपको यूज क्या करना है, सब्जेक्टिव केस, क्या यूज करना है आपको, सब्जेक्टिव केस यूज करना है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस यूज करना है इट इज और इट वाज के बाद। चलो वो बात तो ठीक है, आई भी सब्जेक्टिव केस था, दे भी सब्जेक्टिव केस था, ही भी सब्जेक्टिव केस था, लेकिन आगे एक बात आपको ध्यान रखनी है, इट इज इट वाज के बाद सब्जेक्टिव केस तो आ गया, उसके बाद आगे मैं करवाऊंगा आपको रिलेटिव प्रोनाउन, इसी आगे प्रोनाउन में पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, वो देख लो क्या होगा, वो देख लो क्या होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव केस ये तो आ गया, लेकिन आगे एग्जाम्पल में समझ लो, इट इज दे तो ठीक है, आई भी ठीक था, ही भी ठीक था, मी नहीं आ सकता, मी तो क्या ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि इट इज इट वॉज के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। ये आपका है रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है हुई यहां पे, क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। अभी रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जब भी डब्ल्यू फैमिली का वर्ड, जब भी कोई डब्ल्यू फैमिली का वर्ड सेंटेंस के बीच में कहीं पे आ जाए, जब भी कोई डब्ल्यू फैमिली का वर्ड सेंटेंस के बीच में कहीं पे आ जाए, तो वो क्या बनता है, रिलेटिव प्रोनाउन। वो वहां पे इंटरगेटिव प्रोनाउन नहीं बनता, वो वहां पे पर्सन नहीं पूछेगा, वो वहां पे चीजों को कनेक्ट करने के काम आया है, चीजों को जोड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या बन जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद जो वर्ब आएगी, इसके बाद जो वर्ब आएगी, ये जो वर्ब है किसके अकॉर्डिंग आएगी, इससे जस्ट पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। एक बात आपको ध्यान रखनी है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो क्रिया आती है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है, वो उससे जस्ट पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है, उससे जस्ट पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है, ये आपको पता होगा, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अरे ब्लेम तो नेगेटिव है, तो क्या दिक्कत हो गया, ये अब ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन नहीं है, अब ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन की बात नहीं चल रही, कोई बात नहीं, नेगेटिव है तो क्या हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा, अब कॉम्बिनेशन देखो, अब आपको कॉम्बिनेशन देखना था, आई है तो आगे एम होता तो चल जाता, इट इज आई हु एम,
लेकिन एम तो नहीं था यहाँ पे, तो ए कैसे आ गया? अगर यहाँ पे एम लिखा होता है के साथ तो आंसर ए भी ठीक था, लेकिन बी में ये तो कैंसिल हो गया फिर, क्योंकि यहाँ पे एम होना चाहिए था, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग क्या था फिर आगे एम, दे है तो क्या आएगा आर, अब ही है तो क्या आना चाहिए था इज, ही क्या होता है सिंगुलर, ही सी इट क्या होते हैं सिंगुलर, तो इज आना चाहिए था लेकिन इज वहां पे नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। कॉम्बिनेशन आपको देखना था, ध्यान से आपको देखना था, ठीक है। इट इज और इट वाज के बाद आएगा सब्जेक्टिव केस, और आगे है रिलेटिव प्रोनाउन, आगे क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, डब्ल्यू असेंबली का वर्ड मिलेगा या दैट मिलेगा, ये मैं करवाऊंगा डिटेल में, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं करवाऊंगा डिटेल में इसको, हु विच व्हाट दैट ये सब चीज करवाई जाएंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। चलो तो मार्च में स्टार्ट करेंगे उसको, एसीसी 125 को मार्च में स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी, राजस्थानी बेस्ट डांस कर देंगे इसको स्टार्ट। तो इट इज दे हो गया यहाँ पे, और हु आर, ठीक है, दे है तो क्या जाएगा आगे आर आ जाएगा, इसलिए कॉम्बिनेशन क्या है डी आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, नेवी एयरफोर्स एनडी में बार बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। इट इज इट वॉज के बाद आपका सब्जेक्टिव केस होगा, आगे मिलेगा रिलेटिव प्रोनाउन, या तो डब्ल्यू असेंबली का वर्ड मिलेगा या दैट मिलेगा, आगे फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी, यहाँ पे आई है तो एम, ही है तो इज, दे है तो आर, सी है तो इज, ऐसे आप देखना है, ठीक है, ऐसे आपको देखना है, आगे भी कंसेप्ट चलेगा, इसको ध्यान रखना। चलो आगे देखो, और आगे देखो अभी, ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं, अभी ये चीज भी होगी आपकी, आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं। चलो अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लेते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। दीपक व्यास आपका वेलकम है डिफेंस गुरु जी पे। एसीसी का बता दिया मैंने, वीरेंद्र बहादुर सिंह, एसीसी को हम मार्च में स्टार्ट करेंगे, 15-20 मार्च के आसपास स्टार्ट करेंगे एसीसी का, ठीक है, उस तब तक थोड़ा पेशेंस रखो। चलो रिलेटिव प्रोनाउन किसकी बात चलेगी, अभी रिलेटिव प्रोनाउन की बात चलेगी, मैंने बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन में कई सारी चीज अभी पेंडिंग है, लेकिन पहले रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है उसको हम देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन देखो क्या है, कौन कौन से वर्ड होते हैं, डब्ल्यू फैमिली का वर्ड हो या दैट लिखा हो, डब्ल्यू फैमिली का वर्ड हो या दैट लिखा हो, वो क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन, वो क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डब्ल्यू फैमिली के वर्ड कौन कौन से हैं, हु विच व्हाट वेयर, ये क्या बनते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से समझना। इसके अलावा दैट भी क्या बनता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये होता क्या है ये, और ये सेंटेंस में आपको पता कैसे लगेगा वो भी देखेंगे, इसके बारे में पहले देखो थोड़ा सा। जब भी डब्ल्यू फैमिली के वर्ड, डब्ल्यू फैमिली के वर्ड देखो एक बात सीख लो आज नहीं, डब्ल्यू फैमिली का जो वर्ड होगा, जो भी डब्ल्यू फैमिली के वर्ड होंगे वो दो तरह के काम करेंगे, वो दो तरह के काम करेंगे। अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे, अगर किसी वाक्य के शुरू में आएंगे तो क्या बनेंगे इंटरगेटिव प्रोनाउन, तो क्या बनेंगे इंटरगेटिव प्रोनाउन, इंटरगेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे वो, इंटरगेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे वो, पर्सन पूछने के काम आएंगे। अगर स्टार्टिंग में आएंगे तो पर्सन पूछेंगे, इंटरगेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। वही डब्ल्यू फैमिली के वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में कहीं पे आ गया, वही डब्ल्यू फैमिली का वर्ड हु व्हाट वेयर सेंटेंस के बीच में आ गया था, जैसे हमने सेंटेंस पिछला देखा इट इज दे हु, बीच में आ गया था हु, तो हु वहां पे क्या बनेगा रिलेटिव प्रोनाउन, फिर क्या बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, वो चीजों को वहां पे कनेक्ट करेगा, रिलेट करेगा, जोड़ेगा, काम करेगा वो कंजक्शन का, किसका काम करेगा वो कंजक्शन का काम करेगा, इसका काम करेगा वो कंजक्शन का, तो दो सेंटेंस को जोड़ देगा आपस में, दो सेंटेंस को बीच में आके और कनेक्ट कर देगा, कंजक्शन बन जाएगा, क्या बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एसीसी क्या होता है उसके ऊपर ध्यान ना दो रिंकू यादव, ठीक है, वो अलग मैटर है। आप जब जॉब लग जाओगे, एयरफोर्स में जॉब लग जाओगे, नेवी में जॉब लग जाओगे, तो आपको अगर ऑफिसर बनना है आर्मी में, उसके लिए डिपार्टमेंटल एक टेस्ट होता है एसीसी नाम से, आर्मी कैडेट कॉलेज, वो अलग चीज है। अभी आप फोकस करो आपके पेपर पे, एयरफोर्स नेवी जॉब का एग्जाम, उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। चलो इंटीग्रेटिव प्रोनाउन में बता दिया मैंने, इंटीग्रेटिव प्रोनाउन क्या होगा, जब भी डब्ल्यू फैमिली का वर्ड स्टार्टिंग में आएगा, मैंने बोल दिया सेंटेंस देख लो, सेंटेंस से आपको बात करने पड़ेगी, ठीक है। मैंने बोल दिया वेयर आर यू गोइंग, मैंने क्या बोल दिया वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तो आपने क्या देखा कि डब्ल्यू फैमिली का जो वर्ड है, वेयर क्या है डब्ल्यू फैमिली का वर्ड, डब्ल्यू पता है आपको ये चीजें, तो स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हो, तो सेंटेंस के शुरू में आया है, तो पर्सन पूछने काम आया तुम कहां जा रहे हो, ये क्या बन गया यहाँ पे इंटीग्रेटिव प्रोनाउन, क्या बोलेंगे इसको इंटीग्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इंटीग्रेटिव प्रोनाउन इसको बोल देंगे। प्रश्नवाचक सवर्नाम, प्रश्नवाचक क्या बन गया सवर्नाम शुरू में आएगा तो, लेकिन यही अगर बीच में आ जाता, मैंने बोल दिया आई डोंट नो, मैंने क्या बोल दिया आई डोंट नो वेयर ही
इज गोइंग, मैं नहीं जानता वो कहां जा रहा है। आई डोंट नो वेयर ही इज गोइंग, वही वेयर वर्ड अब सेंटेंस के बीच में आ गया। सेंटेंस के कहां पे आ गया? बीच में कहीं पे आ गया। अब बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, बनेगा कंजक्शन। ये इसको, इस चीज को और इस चीज को, आई डोंट नो एक आपका फ्रेज है, ये भी फ्रेज है, इनको जोड़ रहा है, इनको कनेक्ट कर रहा है, इनको जोड़ रहा है, तो क्या बनेगा? कंजक्शन। और कंजक्शन बनेगा तो क्या बोलेंगे इसको? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे इसको? अभी यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये पर्सन नहीं पूछ रहा, अब ये जोड़ रहा है दो चीजों को, ठीक है। तो ये होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या होता है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। चलो, तो आई डोंट नो हो गया आपका, वेयर ही, जो आपको पता लग गया आपकी बार कैसे बनता है रिलेटिव प्रोनाउन। आगे भी डिटेल में सीखेंगे इसको, आगे सीखेंगे। अब नंबर ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन होते कितने हैं? रिलेटिव प्रोनाउन आप पता कैसे कर पाओगे कितने आने हैं सेंटेंस में, कितने नहीं आने, वो उसके लिए एक फार्मूला है। जैसे आप मैथ में फार्मूला पढ़ते हो, यहां भी एक फार्मूला है, ध्यान दो। नंबर ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेन वर्ब माइनस में वन, मेन वर्ब माइनस में वन। नंबर ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन कितने होंगे? नंबर ऑफ मेन वर्ब माइनस वन। जितनी भी मेन वर्ब होंगी उनमें से एक कम कर दो, क्या बन जाएगा वो? रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। तो नंबर ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेन वर्ब माइनस में वन, नंबर ऑफ मेन वर्ब माइनस में वन हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी क्लास भी हो जाएगी, डोंट वरी, ज्योग्राफी क्लास, रीजनिंग क्लास, मैथ क्लास सारी हो जाएंगी, थोड़ा पेशेंस रखो। एक दो दिन की थोड़ी दिक्कत चल रही है, एक दो दिन से थोड़ी प्रॉब्लम है, एक दो दिन के और जल्दी आपकी सारी क्लास प्रॉपर हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मेन वर्ब माइनस में वन। जितनी भी मुख्य क्रिया होंगी उसमें से एक घटा दो, उतने कितने होने चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन वहां पे होने चाहिए। ये बात आपको हेल्प करेगी सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करने में, ठीक है। स्पॉटिंग द एरर में आता है रिलेटिव प्रोनाउन, बताऊंगा कैसे। एग्जाम्पल दो, अभी एग्जाम्पल देखो, अभी एग्जाम्पल देख लो, फिर देख लो, समझ जाओगे तुम लोग। एग्जाम्पल देख लो, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन हु इज लिविंग इन दिल्ली, द ओल्ड मैन हु इज लिविंग इन दिल्ली। क्या बोल दिया मैंने? द ओल्ड मैन हु इज लिविंग इन दिल्ली, ठीक है। प्रूव कर देंगे अभी, देखो यह क्या हो गया आपका ए पार्ट, ये क्या हो गया बी पार्ट, और ये क्या हो गया सी पार्ट, ये क्या हो गया, तीन पार्ट यहां पे आ गए, ठीक है, तीन पार्ट यहां पे आगे। बताओ किस पार्ट में एरर है? एग्जाम्पल करवा रहे हैं, एग्जाम्पल करवाएंगे बहुत सारे, टेंशन ना लो, एग्जाम्पल आपको करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, उसमें भी चीजें क्लियर होंगी, और अभी एग्जाम्पल भी बहुत सारे करवाए जाएंगे, ठीक है, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। तो बताओ किस पार्ट में एरर है? अगर कोई एरर तो बताओ, ए में है, बी में है, सी में है, या डी आंसर है? नो एरर। डी आंसर क्या आपका? नो एरर। बताओ क्या आंसर है? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी? नो एरर। जल्दी से बता दो अभी, जल्दी से कमेंट कर दो, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से कमेंट करो, कुछ लोगों ने डी बताया है, शिवम चौबे ने डी बताया है, सचिन सिंगल ने डी बताया है, उत्कर्ष राजन ने ए बताया है, अंकित ने सी बताया है। चलो देखते हैं क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करो। नो एरर, कई लोग नो बता रहे हैं, कोई ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है, देखते हैं क्या होगा। अजीत कुमार ने बी बताया है, आशुतोष ने डी बताया है, गोपाल कुमार ने बी बताया है। अरे डी ऑप्शन तो अंडरस्टूड है, नो एरर मतलब डी ऑप्शन, नो एरर मतलब डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन का मतलब नो एरर। चलो देख लो अभी, इसमें क्या होगा? बी आंसर है इसका, इसका क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा, ये हु नहीं आएगा, ये आंसर क्या होगा इसका? बी। क्या आंसर होगा इसका? बी, हु यहां पे नहीं आएगा। अभी ये तो समझाया था आपको कि नंबर ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मेन वर्ब माइनस में वन। अब ये देखो सेंटेंस के अंदर कितनी मेन वर्ब है, इस वाक्य में कितनी मेन वर्ब है, इस वाक्य में कितनी मेन वर्ब है? एक ही तो मेन वर्ब है यहां पे, एक ही तो मुख्य क्रिया है, ठीक है, एक ही तो मेन वर्ब है, लिविंग इज तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, लिविंग यहां पे मेन वर्ब है। तो रिलेटिव प्रोनाउन की संख्या कितनी होगी? रिलेटिव प्रोनाउन किसके बराबर होगा? मेन वर्ब माइनस में वन। तो मेन वर्ब कितनी थी? एक, एक माइनस एक कितना हो गया? जीरो। मतलब कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आना चाहिए,
ये हु यहाँ पे कैसे आ गया फिर, ये तो गलत है, ये तो एरर है। तो कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आना चाहिए, मतलब हु यहाँ पे नहीं आना चाहिए। सेंटेंस क्या बनेगा, द ओल्ड मैन इज लिविंग इन दिल्ली, द ओल्ड मैन इज लिविंग इन दिल्ली, सिंपल सा है, सेंटेंस एक ही है तो कनेक्ट किसको करेगा, ठीक है। अगर दो सेंटेंस होते तो हमें कनेक्टर चाहिए था, जोड़ने के लिए चाहिए था कुछ ना कुछ, तो अगर दो सेंटेंस होते तो जोड़ने के लिए हमें चाहिए था, कनेक्टर चाहिए था, ठीक है। सेंटेंस एक ही था किसको जोड़े गए, ठीक है। सिंपल सी एक बात समझ लो, मान लो ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, दो सेंटेंस यहां पे है, तो बीच में एक कंजक्शन चाहिए, बीच में क्या चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, लेकिन एक ही सेंटेंस है बस, तो जोड़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं चाहिए, कोई कंजक्शन नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये हु यहाँ पे नहीं आएगा। आई होप आप समझ गए होगे, समझ गए होगे आप लोग, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे हम पढ़ते हैं, अभी और चीजें करवाएंगे, अभी देख लो, अभी और चीजें करवाई जाएंगे, अभी आगे देखो और सेंटेंस देख लो। दो चीज और पढ़ते हैं अभी हम, हु और हुम में डिफरेंस पढ़ते हैं। हु और हुम जो है कई बार एग्जाम में आता है, हु और हुम में बहुत बार ये स्पोर्टिंग एरर में आता है, फिलिंग द ब्लैंक में आता है। हु और हुम में क्या डिफरेंस है, कहां पे हु आता है, कहां पे हुम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पहले मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, एक बार आप कोशिश करना किसमें क्या आएगा, फिर मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा किसमें क्या आएगा। हु और हुम काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझाया जाएगा आपको कैसे कैसे क्या होता है। देख लो, अभी देख लो, मैंने सेंटेंस लिया, आई नो टू बॉयज फिलिंग द ब्लैंक आर योर फ्रेंड, एक ये सेंटेंस है। ऑप्शन क्या आपके पास, हु और हुम, ऑप्शन क्या है, हु और हुम, ये पहला सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस देखो, आई नो टू बॉयज फिलिंग द ब्लैंक आई ट्रस्ट मोस्ट, आई ट्रस्ट मोस्ट, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। थर्ड देख लो, आई नो टू बॉयज फिलिंग द ब्लैंक आई थिंक स्टोल माई कार, ठीक है। चलो ये तीन सेंटेंस यहां पे हैं, आई नो टू बॉयज फिलिंग द ब्लैंक आर योर फ्रेंड, आई नो टू बॉयज फिलिंग द ब्लैंक आई ट्रस्ट मोस्ट, आई नो टू बॉयज फिलिंग द ब्लैंक आई थिंक स्टोल माई कार, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास हु और हुम, ऑप्शन क्या है, हु और हुम, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार एग्जाम में आता है, फिलिंग द ब्लैंक में भी, स्पोर्टिंग द एरर में भी, आज आपका ये चीज भी क्लियर हो जाएगी, आप इस आज के बाद इसमें दिक्कत नहीं रहेगी आपको। तो बताओ पहले में क्या होगा, पहले में आपने हु बताया, बहुत से लोगों ने हु बताया है, फर्स्ट में कोई हुम बता रहा है, ठीक है, कोई हुम भी बता रहा है फर्स्ट में, सेकंड का बताओ, सेकंड का हु बता रहे बच्चे, चंदन कुमार ने हु बताया सेकंड का, सुजीत पटेल ने फर्स्ट में हु बताया, सेकंड का हुम बताया, थर्ड भी बता दो, थर्ड भी बता दो साथ साथ, सेकंड में आर्मी लवर ने हुम बताया है, अंतु दास ने फर्स्ट में हुम बताया है, अमित ने तीनों बता दिए हु हुम हुम, अच्छा तीनों में, पहले में हु, सेकंड और थर्ड में हुम। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होगा, किसमें क्या आएगा अभी देख लेते हैं, किसमें क्या आएगा इसमें देख लेते हैं, एक बार ध्यान देना, ध्यान देना एक बार, ठीक है, ध्यान देना एक बार। ये आपको पता है कि हु क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, हु क्या होता है, सब्जेक्टिव केस बोलो या सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलो। जो हमने पहले दिन फर्स्ट क्लास में सैटरडे को टेबल पढ़ी थी, उसमें बताया था हु से क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव हुम बनता है, हु से क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव हुम बनता है, हुम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, हुम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। ये पता है सभी को कि हु बनता है सब्जेक्ट और हु का ऑब्जेक्टिव हुम बनता है। ये हम पढ़ते थे किसमें, नरेशन में, आपने पढ़ा होगा नरेशन के अंदर भी, ठीक है, वहां आपने देखा होगा। तो पहले में क्या होगा, फर्स्ट में क्या आएगा वो देख लो, ठीक है, पहले में आएगा हु, यहां पे हु क्यों आ गया, सेकंड में क्या आएगा हुम, और थर्ड में क्या आएगा हु। बच्चों ने नॉर्मली फर्स्ट सेकंड तो ठीक दे दिया, लेकिन थर्ड में मैक्सिमम लोगों ने हुम बताया, लेकिन हुम नहीं आएगा उसमें भी, क्या आएगा थर्ड में भी, थर्ड में भी क्या आएगा आपका हु। टेलीग्राम का लिंक ऊपर दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, वहां से आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो,
टेलीग्राम का लिंक ऊपर दिया हुआ है, इससे अगर आप ज्वाइन ना कर पाओ तो टेलीग्राम पे जाकर डिफेंस ग्रुजी लिख देना, वहां से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा डिफेंस ग्रुजी का, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो देखो भाई, आई नो टू बॉयज हु आर योर फ्रेंड, आई नो टू बॉयज हुम आई ट्रस्ट मोस्ट, आई नो टू बॉयज हु आई थिंक स्टोल माई कार, कैसे कैसे बन गया वो देख लो, कैसे बन गया वो देख लो। ठीक है, आप समझेंगे इसको कैसे इसमें हु आया है, कैसे क्या होता है। अब आपको पता है, आपको ये पता ही है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट, आपको पता है हमेशा कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज ऑलवेज सब्जेक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ मेन वर्ब्स, जितने भी सब्जेक्ट होंगे उतनी क्या होती है मुख्य क्रिया। जैसे मैं बोलता हूं राम प्लेज क्रिकेट, एक सब्जेक्ट है तो प्लेज एक मेन वर्ब होगी, जितने सब्जेक्ट होंगे वाक्य में उतनी मुख्य क्रिया होंगी, जितने सब्जेक्ट उतने क्या होंगे मुख्य क्रिया, ये बात ध्यान रखना। इसी के बेस पे आपका वो कंसेप्ट है वो हो जाएगा, हु और हुम क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, एक फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लो, फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लो क्या, कि अगर इफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेन वर्ब, अगर वाक्य के अंदर, अगर किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और मेन वर्ब बराबर हैं, सब्जेक्ट मेन वर्ब बराबर हैं, तो वहां पे यूज क्या करेंगे हुम, वहां पे यूज क्या होगा हुम, क्योंकि सब्जेक्ट मेन वर्ब पहले ही बराबर हैं, तो हमें अब सब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, अब हमें ऑब्जेक्टिव केस से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट और मेन वर्ब पहले ही बराबर हैं। लेकिन अगर ये हो जाए कभी, अगर कभी ये हो जाए इफ नंबर ऑफ मेन वर्ब इज ग्रेटर देन, ये साइन किसका है, ग्रेटर देन का, मैथ आप पढ़ते हो, नंबर ऑफ मेन वर्ब इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सब्जेक्ट, अगर मुख्य क्रिया ज्यादा है किससे, सब्जेक्ट से, तो वहां पे यूज क्या होगा हु, वहां पे यूज क्या होगा हु। देखो इस बात को रटने की जरूरत नहीं है, इसको मैं समझा दूंगा इस बात को भी, ये जो दो पॉइंट लिखे हैं, सिंपल सी बात है, आपको पता है कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो सब्जेक्ट और मेन वर्ब हमेशा बराबर होती हैं, सब्जेक्ट मेन वर्ब हमेशा बराबर होती हैं, अगर बराबर हो सेंटेंस में तो वहां पे सब्जेक्ट दोबारा नहीं चाहिए, हु तो क्या होता है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, तब हुम यूज कर दो। लेकिन अगर मेन वर्ब ज्यादा हो जाए, मुख्य क्रिया ज्यादा हो जाए, सब्जेक्ट कम पड़ जाए, तो उनको बराबर करने के लिए सब्जेक्टिव केस आता है। मान लो मेन वर्ब दो हैं और सब्जेक्ट सेंटेंस में एक है, तो सब्जेक्ट कम पड़ेगा, सब्जेक्ट मेन वर्ब तो हमेशा बराबर होने चाहिए, ये आपको पता ही बचपन से कि सब्जेक्ट मेन वर्ब हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और अगर ये कम पड़ जाएगा सब्जेक्ट, तो वहां पर एक और सब्जेक्ट आ जाएगा हु, इसको बराबर करने के लिए दो क्या हो जाएंगे वहां पर सब्जेक्ट, सेंटेंस देख लो, अभी सेंटेंस जो लिखवाया था वो देख लो, सेंटेंस जो लिखवाया था वो देख लो। ठीक है, ध्यान दो, अभी यहां पे आप ध्यान दोगे पहले सेंटेंस में, इन बातों को अप्लाई करता हूं, पहले सेंटेंस देखो, देखो भाई आई क्या आपका यहां पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आई क्या सब्जेक्ट, नो यहां पे क्या है मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट है, चलो ठीक है। इस अगला जो पार्ट है इसमें आर यहां पे मेन वर्ब है, आर यहां पे क्या है मेन वर्ब, मैंने आपको बताया था इज एम आर वोज वर, अगर साथ में और कोई वर्ब ना हो तो खुद क्या बन जाते हैं मेन वर्ब, इज एम आर वोज वर खुद मेन वर्ब बन जाएंगे अगर साथ में और कोई वर्ब ना हो तो। जैसे मैंने बोल दिया आई एम ए टीचर, एम यहाँ पे क्या मेन वर्ब, यू आर ए स्टूडेंट, आर यहाँ पे क्या है मेन वर्ब, ही इज ए बॉय, इज वहां पे क्या है मेन वर्ब, और कोई वर्ब इनके साथ ना हो तो खुद क्या बन जाएंगे मेन वर्ब। तो इस वाक्य में दो मेन वर्ब है, इस वाक्य में दो मेन वर्ब है और सब्जेक्ट कितना था एक, तो देखो इस मेन वर्ब के लिए तो ये बन गया आई नो, लेकिन इस आर के लिए सब्जेक्ट यहां पे नहीं है, आर जो मेन वर्ब है उसके लिए सब्जेक्ट यहां पे नहीं था, तो सब्जेक्टिव केस कौन सा बनेगा हु, क्या बनेगा वहां पे हु। अगर आपको सेंटेंस का मीनिंग ना भी पता हो तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, मान लो कोई मुश्किल सेंटेंस आ गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया, किसी वर्ड का मीनिंग ना भी बताओ आपको, ऐसे ऐसे वर्ड भी आ जाए तो भी आप क्वेश्चन करके आ सकते हो, आपको कंसेप्ट ध्यान होगा कि मेन वर्ब और सब्जेक्ट बराबर होने चाहिए, अगर सब्जेक्ट कम पड़ रहे हैं तो वहां पे हु लगा दो। इस मुख्य क्रिया के लिए सब्जेक्ट कौन बन गया हु, हु आर योर फ्रेंड, ठीक है हु आर योर फ्रेंड, इसके मेन वर्ब के लिए सब्जेक्ट कौन बन गया आई। अगला देखो आई नो, ये आपका मेन वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, इसके इस मेन वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये भी सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, तो अब की बार क्या हुआ, ये आपस में ये सब्जेक्ट ये मेन वर्ब इस साथ ये आ गया, अब की बार सेकंड में क्या हुआ, दो ही सब्जेक्ट हैं, दो ही मेन वर्ब हैं, पहले ही बराबर हैं सब्जेक्ट और मेन वर्ब, आपको अब हु लगाने की जरूरत नहीं है, अब क्या आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हुम। ये मैं इतना क्यों बताऊं डिटेल में, क्योंकि जब आपको वर्ड के मीनिंग भी नहीं पता होंगे, सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं पता होगा, तब भी आप एरर फाइंड आउट कर सकते हो, तब भी आप फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलो
अरे नाउन पार्ट थ्री मैंने बता दिया, प्लेलिस्ट में नहीं होगा तो वैसे चेक कर लो, वीडियोज आपको मिल जाएगी, वीडियो में आपको मिल जाएगी नाउन पार्ट थ्री की। आई नो टू बॉयज, आई नो टू बॉयज फिलिंग द ब्लैंक, आई थिंक कोमा स्टोल माई कार। देखो इसमें थर्ड में हु कैसे आ गया, थर्ड, अरे मिलेगा चिंटू सिंह, देख लूंगा मैं इसको आज, बता दूंगा तुम्हें। देखो भाई ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये तो पेयर बन गया, सब्जेक्ट में यहां पे एक साथ आ गया, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी मेन वर्ब है, आई थिंक ये इसका पेयर बन गया, ठीक है। सब्जेक्ट यहां पे मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट मेन वर्ब है, लेकिन ये जो मेन वर्ब है स्टोल, स्टोल भी यहां पे सेकंड फॉर्म है, स्टील स्टोल स्टोलन, स्टील स्टोल स्टोलन चुराना, तो सेकंड फॉर्म है, क्या बन गया चुराना। तो इस मेन वर्ब के लिए सब्जेक्ट यहां पे नहीं था, इसलिए क्या आएगा यहां पे एक और सब्जेक्ट, हु स्टोल, क्या बनेगा हु स्टोल माई कार, जिन्होंने मेरी कार चुराई, हु स्टोल माई कार, तो इसलिए यहां पे हु आएगा। अगर वर्ब ज्यादा हो सब्जेक्ट कम हो तो बराबर करने के लिए हु लगा दो, पहले ही सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हो तो हुम ऑब्जेक्टिव केस लगा लो, इतनी सी बात थी ये, ठीक है इतनी सी बात थी। अरे कोर्स कंप्लीट निशिन शर्मा, कोर्स तो हमारा प्लान है मार्च में ही कंप्लीट करने का, मार्च में कोर्स कंप्लीट करने का प्लान है, डोंट वरी, ठीक है कोर्स तो काफी टाइम पहले कंप्लीट हो जाएगा आपका, मार्च एंड तक ही कोर्स कंप्लीट करने का पूरा पूरा प्लान है, कर देंगे बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलेंगे हाई लेवल तक, सभी टाइप्स करवाई जाएंगे सारे चैप्टर्स की, ये नहीं कि जल्दी जल्दी करवा के उसको जल्दी खत्म करेंगे, हर एक टाइप आपकी होगी, ठीक है सभी टॉपिक्स की हर एक चीज उसमें करवाई जाएगी, नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव एडवर्ब आर्टिकल कंजक्शन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस स्पेलिंग एरर, वोकैब भी अलग चल रही है, वोकैब अलग चली रही है अलग से, ठीक है मॉक टेस्ट भी आपके हो रहे हैं, एनडी के पीवाईक्यू भी आपके हो रहे हैं, तो सब चीजें आपके लिए चल रही हैं, सब चीजें आपके लिए चल रही हैं। एक्स ग्रुप का जो मैथ है रीजनिंग है या फिर जो और जो क्लास है वो भी प्रॉपर चल पड़ेंगे, एक दो दिन आप थोड़ा पेशेंस रखो, एक दो दिन का थोड़ा पेशेंस रखो, सारी क्लास प्रॉपर चल पड़ेंगे, उसके ऊपर काम चल रहा है जोरों शोरों से। तो आई होप ये समझ गए होगे आप लोग, ठीक है बहुत बढ़िया कंसेप्ट था ये, अब इसका ध्यान रखना, ठीक है चलो आगे देखो, अभी आगे देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अभी कुछ टाइम बाकी हमारे पास है तो हम थोड़ा और पढ़ते हैं, और थोड़ा पढ़ते हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे हु और विच में डिफरेंस, अभी क्या पढ़ेंगे हु और विच में डिफरेंस, ठीक है हु और विच में डिफरेंस देखो क्या है, हाँ मैं कह रहा हूं हो जाएगा डोंट वरी, हो जाएगा कोर्स कंप्लीट कर देंगे, डोंट वरी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, रीजनिंग का भी और भी हो जाएगा, ठीक है हु और विच में क्या डिफरेंस है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है वो देख लो, हु और विच में क्या डिफरेंस है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा देख लो अभी, ठीक है मैं दो सेंटेंस आपके लिए दे रहा हूं, पहले आपको बताना क्या होगा फिर मैं समझाऊंगा। मैंने बोला हु, मैंने क्या बोला फिलिंग द ब्लैंक इज योर ब्रदर, ठीक है फिलिंग द ब्लैंक हु सॉरी फिलिंग द ब्लैंक इज योर ब्रदर, हु या विच में से आपको भरना है, हु या विच में से आपको बताना है, ठीक है ठीक अंकित अनिकेत यादव तीन दिन पहले ज्वाइन किया है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि जो पीछे क्लास हो चुकी मिशन यूनिफॉर्म नाम से आप प्लेलिस्ट देखोगे उसमें आपको 33 क्लास 33 क्लासेस ग्रामर की मिलेंगी, 34 क्लासेज आपको वोकैबुलरी की मिलेंगी, वो भी देखिए प्रतिज्ञा बैच जो 6 फरवरी से स्टार्ट हुआ है उसमें भी क्लासेज है, प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी, वो देखिए। नाउन के आप बोलो थर्ड पार्ट नहीं है तो वो आप वैसे चेक करोगे वीडियोज में जाके डायरेक्ट यूट्यूब पे, तो वहां मिल जाएगी, अगर प्लेलिस्ट में नहीं है तो, नहीं तो उसको डलवा दिया जाएगा डोंट वरी, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, अब सेकंड में देख लो फिलिंग द ब्लैंक इज योर ब्रदर इन दिस क्लास, ठीक है देख लो भाई सेकंड में क्या आएगा बताओ, सेकंड में बताओ जल्दी से, सेकंड का और बता दो जल्दी से, सेकंड के लिए केशव ने सेकंड में हु बताया है, सेकंड में हु बता दिया, अच्छा फरदीन ने यहां पे विच बताया है, केशव ने हु बताया है, देखते हैं क्या होगा, तो उसने विच बताया है, चलो देखते हैं। देखो अभी
पहले में क्या आएगा हु और सेकंड में क्या आएगा विच। अब इसको समझते हैं, पहले में हु क्यों आ गया, सेकंड में विच क्यों आ गया, इसको अब समझते हैं। ठीक है, रटने जुट नहीं, इसको समझते हैं इसको क्या होगा। अगर आप नॉर्मली किसी से पूछ रहे हो, अगर आप नॉर्मली सामान्य तौर पे किसी से पूछ रहे हो भाई तुम्हारा भाई कौन है, ठीक है, हु इज योर ब्रदर, तुम्हारी बहन कौन है, हु इज योर सिस्टर, तुम्हारा पिताजी कौन है, हु इज योर फादर, ऐसे पूछते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात होगी सिलेक्शन की, जब भीड़ में से या क्लास में से कईयों में से एक को सिलेक्ट करना हो, ठीक है, सेकंड में आप देखोगे क्लास में से बताना है, क्लास में मान लो 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट हैं क्लास में, मैं पूछ रहा हूं इन 20 में से तुम्हारा भाई कौन सा है, बात जब होगी सिलेक्शन की तब क्या आएगा विच। तो इसको आप लिख सकते हो, लिख क्या सकते हो, अगर नॉर्मली पूछा जाए, नॉर्मली अगर पूछा जाए आपसे, नॉर्मली पूछा जाए तो हु यूज करेंगे, और जब बात होगी सिलेक्शन की, जब बात किसकी होगी सिलेक्शन की बात होगी तो वहां पे क्या यूज होगा, विच यूज होगा। तो क्या यूज होगा वहां पे, विच यूज होगा। ठीक है, तो सिलेक्ट करना, जब आपको कईयों में से एक को सिलेक्ट करना, चुनना है पूरी क्लास में से एक को चुनना, तुम्हारा भाई कौन बताओ इसमें, या फिर ऐसे पूछ ले हु इज योर फादर इन दिस क्राउड, भीड़ में कई सारे लोग खड़े हैं, पूछ रहे तुम्हारे पिताजी कौन से हैं इस भीड़ में, ये जो भीड़ यहाँ पे खड़ी है, कई लोग जो खड़े हैं उसमें तुम्हारे पिताजी कौन से हैं। तो यहाँ पे बात होगी सिलेक्शन की, इसकी बात होगी सिलेक्शन की, जब एक बंदे को सिलेक्ट करना हो कईयों में से, वहां पे यूज क्या होगा आपका, विच, और नॉर्मली पूछना हो तो क्या यूज होगा, हु यूज होगा। तो इसका भी ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला कंसेप्ट देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, बची हुई 6-7 मिनट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको कंसेप्ट बताकर जा रहा हूं, ध्यान रखना क्या होगा, एक बात आपको नोट कर लेनी है, एक बात आपको नोट कर लेनी है क्या, कि रिलेटिव प्रोनाउन आरपी का मतलब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड है, हु, विच, दैट, डब्ल्यू फैमिली के वर्ड और दैट, ये क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, सेंटेंस के बीच में आएंगे, ये पता ही लग गया आपको, कंजक्शन का काम करेंगे, चीजों को जोड़ने का काम आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के साथ आएगा, के साथ आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान देखना, इसका मतलब क्या है, इस बात को आप समझोगे एग्जाम्पल के थ्रू, इसको कैसे समझ पाओगे आप, उदाहरण के थ्रू आप समझ पाओगे, रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, पूर्वज, क्या बोलते हैं इसको, पुरोगामी, क्या बोलते हैं, पुरोगामी, पहले आने वाला, इसको समझ पाओगे एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल देता हूं देखना अभी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो इसका, एग्जाम्पल देख लो, मैंने क्या बोल दिया, आई हैव वॉच्ड फोर मूवीज, आई हैव वॉच्ड फोर मूवीज ऑफ, आई हैव वॉच्ड फोर मूवीज ऑफ फोर मूवीज ऑफ कोई भी नाम लिख लो यहां पे, गोविंदा लिख लो, चलो फोर मूवीज ऑफ गोविंदा, फिलिंग द ब्लैंक, फोर मूवीज ऑफ गोविंदा, हु इज माई फेवरेट एक्टर, चलो ऐसे लिख दिया, आई हैव वॉच्ड विवेक सैनी, आपका नाम नहीं लेते क्या, नाम ले रहे हैं विवेक सैनी, आपका नाम ले लेते कोई दिक्कत नहीं, नाम ले लिया आपका विवेक सैनी। ठीक है, हाँ वो कैब के क्लास भी, वो कैब क्लास के नोट्स बनाओ, और विवेक सैनी ऐसा कुछ नहीं है, क्लास बच्चे ज्यादा होते हैं तो कई बार बच्चों का नाम नहीं ले पाते हैं, बच्चों का नाम नहीं ले पाते हैं तो इसमें आप टेंशन ना लिया करो, बुरा मत माना करो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे, आई हैव वॉच्ड फोर मूवीज ऑफ गोविंदा, हु इज माई फेवरेट एक्टर, यहाँ पे सेंटेंस में देखा कि मैं गोविंदा की 4 मूवी देख चुका हूं जो मेरा फेवरेट एक्टर है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के एरर नहीं दी, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हु है, हु यहाँ पे क्या रिलेटिव प्रोनाउन, ये किसके लिए आया है, किसके लिए आया है, ये इस गोविंदा के लिए आया है, इस गोविंदा नाम का जो एक्टर है, जो पर्सन है, उसके लिए क्या आया, हु यहाँ पे आया है। तो एक साथ साथ आएंगे, ये क्या आएंगे, साथ आएंगे, ये ध्यान रखना। एरर कैसे आती है वो देख लो, ये तो मैंने सही लिख दिया, अब मैं आपको एरर करवाता हूं, मैं आपको अभी एरर करवा देता हूं, फिर आप समझ पाओगे एरर कैसे आता है। ठीक है, देख लो अभी, तो जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, जिसके लिए आया है,
वो उसके साथ ही आएगा, ठीक है। जिसके लिए ये देखो, ये इसका क्या है, ये गोविंदा क्या है, इसका एंटीसिडेंट मतलब पूर्वगामी, क्या बोलते हैं इसको, पूर्वगामी। पूर्वगामी का मतलब क्या है, पहले आने वाला। देखो ये इससे पहले आया है, ठीक है, ये क्या है, इससे पहले आया गोविंदा, तो इसके साथ ही आएगा। एग्जाम्पल एक और देख लो, एरर वाला एग्जाम्पल, ये तो सही लिख दिया मैंने, ठीक है। एरर कैसे आएगा वो देख लो, मैंने अगर ऐसे बोल दिया, एग्जाम्पल एक और देख लो, आई हैव रेड मुंशी प्रेमचंद्स, आई हैव रेड मुंशी प्रेमचंद्स, अपोस्ट्रोफी लगाया उसमें, प्रेमचंद में अपोस्ट्रोफी, यस, आई हैव रेड मुंशी प्रेमचंद्स फोर नॉवेल्स हु इज माई फेवरेट राइटर, ठीक है। ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, और ये क्या हो गया लास्ट में सी पार्ट, और डी क्या आपका नो एरर, डी क्या आपका नो एरर। एयरफोर्स क्वेश्चन भी करा देंगे सुजीत पटेल, जो आपको मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर एयरफोर्स के पेपर डाले जाते हैं, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस आपकी हो रही है, और भी जो मॉक टेस्ट मैं करवाऊंगा उसमें मैं एयरफोर्स के पिछले क्वेश्चन भी करवा दूंगा, डोंट वरी। और 3:30 बजे आपके एनडी के पीवाईक्यू मैं करवा रहा हूं, तो 3:30 बजे भी आप आया करो, 3:30 बजे आपकी क्लास होती है एनडी के पीवाईक्यू की, उस क्लास में भी आपको आना है, और 12:30 बजे आपकी क्लास होगी वोकैब की, वोकैब क्लास बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है आपकी, इसमें सिनोनिम भी चल रहा है, एंटोनिम भी चल रहा है, वन वर्ड भी चल रहा है, एडियम फ्रेज भी चल रहा है, स्पेलिंग एरर भी चल रहा है, तो वोकैब क्लास सभी को लेनी है 12:30 बजे, 12:30 बजे लेंगे हम लोग वोकैब क्लास में, 12:30 PM पे वोकैब क्लास में, कई सारी चीज आपकी चल रही है, और 3:30 बजे मिलेंगे एनडी के पीवाईक्यू में, उस क्लास में भी आपको आना है। तो बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, डिफेंस रूल्स का ऐप अभी नहीं है वीरेंद्र बहादुर, डिफेंस रूल्स का अभी ऐप बना नहीं है, बनेगा तो वो बताएंगे अभी, ठीक है, बताएंगे आपको, और पीडीएफ भी डाल देंगे, डोंट वरी, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। मॉक टेस्ट की भी पीडीएफ बनी हुई है, सॉरी मॉक टेस्ट की भी आपकी, मॉक टेस्ट की भी जो आपकी प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो मॉक टेस्ट की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आप जाइए देखो, इंग्लिश के 4 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, इंग्लिश के 4 मॉक टेस्ट, ओरिजिनल के शायद 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, वो भी देखो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, आज मॉक टेस्ट नहीं होगा, आज हम एनडी के पीवाईक्यू करेंगे, एक दिन आपका मॉक टेस्ट मैं करवाता हूं, एक दिन मैं एनडी के पीवाईक्यू करवाता हूं, दोनों चीज साथ साथ चलते हैं, 3:30 बजे एक कभी हम करते हैं मॉक टेस्ट 3:30 पे और कभी हम करते हैं एनडी के पीवाईक्यू, तो आज हम करेंगे एनडी के पीवाईक्यू, एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और मैंने बार बार बताया है एयरफोर्स नए वाले बच्चों को भी बताया बार बार कि उस क्लास में सभी लोग आया करो, क्योंकि एनडी के जो पीवाईक्यू है वही क्वेश्चन आपके एयरफोर्स नए में भी आते हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि उस क्लास में भी आया करो, ठीक है। और प्लेलिस्ट सारी बनी हुई है, जिन लोगों की क्लास मिस हो गई है प्लेलिस्ट सारी बनी हुई है डिफेंस रूल चैनल पे, तो मॉक टेस्ट की अलग प्लेलिस्ट है, वोकैब की अलग प्लेलिस्ट है, एनडी के पीवाईक्यू की अलग प्लेलिस्ट है, ग्रामर की अलग प्लेलिस्ट है, और प्रतिज्ञा बैच के अलावा मिशन यूनिफॉर्म वाले बैच की प्लेलिस्ट भी चेक करो, मिशन यूनिफॉर्म की प्लेलिस्ट में आप देखोगे 34 क्लासेज ग्रामर वोकैबुलरी की हैं, 33 क्लासेज आपकी ग्रामर की हैं, वो भी देख लो, प्रॉपर नोट्स बना लो, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, इसमें क्या एरर होगा, इसमें एरर क्या होगा, पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे ऊपर लिंक आपको दिख रहा होगा, उस पर ज्वाइन कर लो, या फिर डिफेंस गुरु जी लिख दो टेलीग्राम पे जाके, डिफेंस गुरु जी लिख दोगे, डिफेंस गुरु जी तो टेलीग्राम आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। तो देखो इसमें एरर क्या है, इसमें एरर क्या है, इसमें एरर क्या है, देखो इसमें एरर यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, इसका आंसर क्या होगा बी, यहाँ पे एरर कैसे बनी वो देख लो। अब ये हु जो है, ये हु यहां पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, हु यहां पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, पता है आपको कि जब भी डब्ल्यू फैमिली का वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए तो क्या बनेगा वो, रिलेटिव प्रोनाउन, वो कंजक्शन बन जाएगा, जोड़ने का काम आएगा, क्या बोलेंगे उसको, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये अपने देखो हु आया किसके लिए है, हु किसके लिए आया यहां पे, मुंशी प्रेमचंद के लिए आया हुआ है, ये पता ही है, हु किसके लिए आया यहां पे, मुंशी प्रेमचंद के लिए, जैसे पिछले सेंटेंस में आपने देखा हु किसके लिए आया था, गोविंदा के लिए, तो ये तो साथ साथ थे, ये तो क्या थे साथ साथ, तो ये तो यहाँ पे तो एरर नहीं था, यहाँ पे एरर नहीं था, लेकिन इस सेंटेंस में आप देखोगे हु किसके लिया है, मुंशी प्रेमचंद के लिए, लेकिन साथ में तो कुछ और लिखा हुआ है नॉवेल्स, तो ये गलत है, ये गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको ठीक कैसे किया जाएगा देख लो अभी, ठीक कैसे करेंगे इसको देख लो, आई हैव रेड 4 नॉवेल्स, क्या बनेगा ये सही सेंटेंस, क्या बनेगा, 4 नॉवेल्स ऑफ, 4 नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, 4 नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, हु इज माई फेवरेट राइटर,
पिछली क्लास को सुजीत पटेल, पिछली क्लास को प्रॉपर देखो, सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके प्रॉपर देखो, नोट्स बनाओ, डाउट आए तो वहां पे कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या होगा, फोर नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद। एमपी का मतलब क्या है, मुंशी प्रेमचंद, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये क्या है, मुंशी प्रेमचंद। तो आपने देखा हु किसके लिए आया था, मुंशी प्रेमचंद के लिए, तो ये साथ साथ आएंगे, ये क्या आएंगे, साथ साथ, जिसके लिए रेटिव प्रोनाउन आया है उसके साथ आएगा, अपने एंटीसीडेंट मतलब अपने पूर्वगामी के साथ ही आएगा, ये क्या आएगा, इसके साथ, अगर साथ में नहीं है तो वहां पे एरर है उस पार्ट में। तो आपने देख लिया, जैसे पिछले में आपने देखा था हु किसके लिए आया, गोविंदा के लिए साथ साथ थे, तो इसमें भी हमने किया हु किसके लिए आया, मुंशी प्रेमचंद के लिए, इसलिए हमने साथ में इसको लेके आना पड़ा, बी पार्ट में एरर थी। आई होप आप समझ गए होगे, आप समझ जाओगे, ठीक है। पीडीएफ के चक्कर में चलो, मेरा सजेशन तो ये रहता है सभी बच्चों के लिए कि खुद के नोट्स बनाओगे वो उससे बेटर कुछ नहीं है, ठीक है, उससे बेटर कुछ नहीं है, खुद के हैंडरिटन नोट्स बनाओ उससे बेटर कुछ नहीं है, वरना पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। चलो चलो, अभी जो कंसेप्ट हमने करने थे आज की क्लास में हमने कर लिए, कल फिर से हम मिलेंगे प्रोनाउन की थर्ड क्लास में, तो बचे हुए कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, तो प्रोनाउन के एक या दो क्लास कम से कम और चलेंगे प्रोनाउन की, ठीक है। तो प्रोनाउन को बहुत अच्छे से करवाया जाएगा, प्रोनाउन को बहुत अच्छे से करवाया जाएगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा 12:30 बजे मिलना है आपको वोकैबुलरी क्लास में, जिसमें हम सिनोनिम प्रैक्टिस भी करेंगे, एंटोनिम्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, वन वर्ड की भी प्रैक्टिस करेंगे, इडियम एंड फ्रेज भी करेंगे, स्पेलिंग एरर भी करेंगे, तो सभी कुछ होगा 12:30 बजे। और 3:30 बजे हम एनडीए के पीवाईक्यू करेंगे, एनडीए के पीवाईक्यू करेंगे, और जो टाइम बचेगा 3:30 बजे एनडीए के पीवाईक्यू के बाद, उसमें मैं कुछ ना कुछ प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो 3:30 बजे भी मिलना है सभी को, एनडीए के पीवाईक्यू होने के बाद, टाइम बच जाता है हमारे पास क्योंकि 1 घंटे क्लास होती है, तो एनडीए के पीवाईक्यू हो सकता है आपके 40 मिनट में पूरे हो जाए, तो बची हुई 20 मिनट में या तो आपके नाउन की प्रैक्टिस करवा दूंगा या प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो वो क्लास भी आपको सभी को लगानी है, उस क्लास में नाउन या प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी 3:30 बजे, और एनडी के पीवाई को भी करवाए जाएंगे, ठीक है। चलो उसमें भी मिलेंगे, और हम मिलेंगे अभी मिलेंगे 12:30 बजे वोकैब क्लास में, ठीक है। चलो टाइमिंग सेम रहती है 10 से 11। चलो मिलते हैं 12:30 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, जुड़े रहो, और चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो। जय हिंद।